नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और आज हम लोग लेकर के आए हैं रोटेशनल SHM, है ना। तो बस हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रांसलेशनल SHM के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने उसका वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लो। देन रोटेशनल SHM क्या है, यहाँ पर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी है। SHM में क्या था कि अगर मैं एक पॉइंट के अबाउट, है ना, एक पॉइंट के अबाउट, इसको बोलते थे मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, है ना, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ए। यहाँ से तक का डिस्टेंस हो गया, है ना, ये पॉइंट को हम कह सकते हैं प्लस ए एक्स का वैल्यू, यहाँ पर हो सकता है एक्स का वैल्यू माइनस में ए, है ना। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है इस मीन पोजिशन के अबाउट। तो मैंने या फिर हम लोगों ने पढ़ा ये था कि यहाँ पर इस पॉइंट पार्टिकल के, जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको कि रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ताकि इसका, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि इसको मीन पोजिशन पर लेके आ रहा है, है ना। दैट रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट रीस्टोरिंग फोर्स बाय मास, है ना, और दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा था, क्लियर है, नहीं समझ आया। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया एफ बाय एम, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स से हमको प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेना है, और यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू टू पाई एफ या फिर टू पाई बाय टी से हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पता कर ले रहे थे। लेकिन आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है उसमें अब हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में फोर्स का इफेक्ट देता है टॉर्क। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन रोटेशनल SHM, हम यहाँ बात करेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क टाउ, जिसका वैल्यू होता है आई इंटू अल्फा, है ना। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड अल्फा, है ना, इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि अब मैं इस टॉर्क को कहूंगा कि इसके कारण उस वाले बॉडी में रोटेशनल SHM जेनरेट होगा, और जिसके कारण से वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए, यहां पर जैसे कि एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन था माइनस में ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देखना बात समझना। तो यहां पर बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहां बात करेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ, पहले लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, रोटेशनल SHM इज गिवन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये लीनियर एक्सेलरेशन था तो यहाँ पर लोग एनालॉजी कर रहे हैं बस सिंपल सा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम है थीटा, बस यही है पूरी कहानी। अभी से हम लोग जितना भी बात करेंगे उसमें हम लोग यही सोचेंगे कि किसी तरह से मुझे टॉर्क निकालने हैं जो कि रीस्टोरिंग टॉर्क हो, और ये वेरिएबल होगा फिर से, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टॉर्क कभी भी हमें SHM नहीं देगा। जो टॉर्क होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा का, जिससे हम ओमेगा पता कर लेंगे, फिर एफ और टी पता कर लेंगे, दैट्स वेरी इजी, इज दैट ओके। तो चलो कॉपी करो, फिर यूं 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 आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बहुत आसान सा चीज है, ठीक है, जैसा कि नाम ही है सिंपल तो सिंपल ही होगा बेचारा, है ना, तो एकदम आसान सा चीज है, ध्यान समझना है सिर्फ। एक थ्रेड है बना हुआ यहां पर, और ये यहां से मैंने एक
स्मॉल मास एम लटका दिया हुआ, और ये जो थ्रेड है जिसका लेंथ है एल, वो मासलेस है, थ्रेड पे कोई मास नहीं है। मास लेंगे हम लोग अभी जाकर, अभी तो नहीं लिए हैं। और ये जो मास है एकदम पॉइंट मास है, छोटा सा मास है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और इसी को हमने ऐसे छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे पकड़े, यूं 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 कर दिए, ऐसे हो जाएगा नहीं। अगर मैं इसे ऐसे ले जा करके छोड़ दूं, मान लेते बहुत बड़े एंगल के लिए, तो ये ऑसिलेशन तो करेगा मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशंस मैंने सबसे पहले ही क्लास में बताया था कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है या फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि लगभग लगभग स्ट्रेट हो तो चलेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ये बात दिमाग में रखना है कि मैं इसे ज़्यादा, तो अभी फोटो बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा, बट अभी लिख दूंगा कि जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो बहुत बहुत स्मॉल होगा, तो जिसका वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगा और जिसका वैल्यू टैन थीटा के बराबर होगा। और अगर हम थीटा अगर स्मॉल है एंड दैट इज स्मॉल, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। ये बातें हमें पता है, क्लियर है। अब ध्यान समझना, इस वाले पेंडुलम को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ भेज दिया, ये यहाँ चला आया, ठीक है। लगभग लग रहा होगा सेम लेंथ है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही आएगा ना, इसी आर्क में ये चलेगा ऐसे, इधर रुके, तो ये आर्क इसने कवर किया, तो ये हो गया एंगल थीटा, इधर रुके, तो ये लेंथ हो गया एल। अब यहाँ पर जब यहाँ पहुँच चुका होगा तो ये पूरा का पूरा बॉडी चाहेगा इधर आ जाए। अब सवाल उठता है कि इधर क्यों चाहता है आ जाए, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। इस वाले बॉडी के ऊपर ऐसे एक mg फोर्स लगेगा, पहली बात समझ में आया। सेकेंड नंबर में इधर की तरफ टेंशन टी लगेगा, जो हमें ये पता है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अथवा हम इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर दिए, तो ये दोनों अगर पैरल लाइन है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे वाले आएंगे और एक ऐसे वाले आएंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस साइड की तरफ, कोई दिक्कत है ना, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं इधर की तरफ mg का उधर थीटा वाला cos थीटा, इधर हो जाएगा mg का sin थीटा। और ये mg sin थीटा क्या कर रहा है, इस पूरे ब्लॉक को चाह रहा है कि मीन पोजीशन पे लेके आ जाए। देखो तो ये एक ऐसा फोर्स लगा रहा है टेंजेंट की तरफ, दैट फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स, है ना, इस पाथ के टेंजेंशियली लग रहा है, और जिस कारण से ये पूरा का पूरा बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जा रहा है ना, ऐसे, इज इट ओके, ऐसे घूम जा रहा है। तो यानी कि ये फोर्स जो है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मुझे जो फोर्स दिख रहा है वो है mg sin थीटा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस यही है ना, इसी के अबाउट ना रोटेट करेगा, तो इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया l, दैट्स योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। तो ये हो गया टॉर्क, और टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, सीधा सीधी बस i इंटू अल्फा। समझ में आ गया। सेकेंड हिस्सा, मास कहाँ है, क्या इस वाले मास के, इसी के पास ना मास है सिर्फ, और तो कुछ नहीं है। और ये पूरा मास इस डिस्टेंस, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर हो जाएगा। एक पॉइंट मास का फिक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस हमको पता है तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मैं आई की जगह पर लिख दूंगा एम एल स्क्वायर इन टू अल्फा इज गेटिंग एज एम जी। इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि हमने माना है कि थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत बड़ा होता तो मुझे साइन थीटा को साइन थीटा लिखना पड़ता है ना, तब तो फिर हम एस एच एम की बात ही नहीं कर रहे होते। एम जी थीटा इंटू एल हो जाएगा, एम से एम कट गया, अल्फा का वैल्यू साफ दिख रहा होगा, एम से एल कट गया ना यहाँ से, तो अल्फा का वैल्यू दिख रहा होगा जी थीटा अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा हाँ, एल से एल भी कट गया, जी थीटा अपॉन एल, इज दैट ओके, जी थीटा अपॉन, देखो अल्फा का वैल्यू जी थीटा अपॉन एल। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, टॉर्क, सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या सीखे थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब माइनस तो हम लोग
पिछली क्लास में बात किए थे कि यहाँ पर बात हो रही रिस्टोरिंग फोर्स की, क्योंकि एंगल गया उधर तो बात हो रही इधर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये निगेटिव है ही, ठीक है, ये जो टॉर्क है वो निगेटिव ही है, तो निगेटिव बाय डिफॉल्ट आएगा। तो मैग्नीट्यूड में बात कर रहे थे, अल्फा दिखा, थेटा दिखा, जी बाई एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, समझ आ रहा है बात? ओमेगा स्क्वायर की जगह पे जी बाई एल ही तो है, तो हम क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाई एल, समझ में आ गया बात, एकदम आसान हो गया। और ओमेगा का वैल्यू पता चल गया तो मुझे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। फिर से कुछ नहीं किए यहाँ पर, इस सिंपल पेंडुलम पे लगने वाला जितना भी टॉर्क है मैं उसे कैलकुलेट किया, वो भी कैसा वेरिएबल टॉर्क होना चाहिए, क्योंकि थेटा देखो बढ़ रहा है, और थेटा का वैल्यू घटेगा तो ये भी वैल्यू घटेगा, है ना, तो बढ़ते 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 यहाँ पहुँचा है, फिर घटते घटते, ये वेरिएबल है ना। अगर कोई और चीज़ें रहती यहाँ पर, कोई सम अदर फोर्सेस हो इस पर लग रहे होते, तो अगर वो कॉन्स्टेंट होता तो मैं उसको यहाँ पर अकाउंट नहीं करता, अगर वो वेरिएबल होता तो मैं करता, अभी करूँगा भी, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करो और जर्नी बिगेंस। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये कुछ है ऐसा टाइप का एक बॉडी, बॉन एक पकड़ के खा मत जाता, लग रहा है मुर्गा का टांग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कल पता है केएफसी के आगे जो है ना दुगो मुर्गा को देखे घूरते हुए, हमको लगा डेरिंग कर रहा है लोग, है ना, मुर्गा से कोई पूछेगा केएफसी के बाहर क्या कर रहे थे, तो बोलेगा अपन को लाइफ में कुछ डेरिंग करना मांगता है ना। चलो ठीक है, समझ में आया कितनों को देखते हैं। चलो ठीक, ये एक फिजिकल पेंडुलम है और ऐसे ही कुछ बॉडी है ना, पूरा भारी भरकम बॉडी है, किसी ने लटका दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका कहीं पर, इसका मान लेते हैं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देता हूँ, और सेंटर मास से इसका डिस्टेंस हम कर देते हैं एल, और इवन ये अभी किसी एंगल पर हमने ऑलरेडी लटका के रखा है, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियस सी बात है यहाँ रहना चाहिए था सीधा सीधी में, तो सेंटर ऑफ मास को मैंने थोड़ा सा उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया हुआ है किसी स्मॉल एंगल थीटा से, फिर से बात कर रहे हैं स्मॉल एंगल थीटा से, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और उसको मैंने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया हुआ है, और इसका नेट मास हमारा एम है इस पूरे पूरे बॉडी का। फिर से हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, ये बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस पर बहस हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो पहले हम एम जी जो बोलेंगे, वेट वेट कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पर लग रहा होगा, है ना, ऐसे लग रहा होगा एम जी, एम जी तो ऐसे ही लगेगा। अब फिर से वही सारा जो पीछे काम किए थे रोना धोना, वही है, थीटा ये होगा, एम जी का कॉस थीटा इधर बनेगा और एम जी का साइन थीटा ऐसे बनेगा, है ना, एम जी का साइन थीटा ऐसे बनेगा, फिर कुछ नहीं बचा है प्रभु, एम जी साइन थीटा इंटू एल मस्ट बी टॉर्क, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, जिसका वैल्यू होगा एम जी साइन थीटा, है ना, इंटू एल, दैट्स योर डिस्टेंस ऑफ हिंज टू द सेंटर ऑफ मास, इज दैट ओके। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एम जी थीटा इंटू एल बाई आई, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाई आई इंटू थेटा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यही दिख गया, है ना, कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया रूट ओवर एम जी एल बाई आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट दिस हिंज, ओके। तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम जी एल, इज दैट ओके। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड इसका, और तो एल क्या हो गया,
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना? इज दैट ओके? और कुछ है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. एम इज द मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, है ना? इसमें सारे टर्मिनोलॉजीज का हमने डिफिनेशन दे दिया. जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रूट इज द पाई इज द, अच्छा सब पता है, ओके ठीक, कॉपी करो. अभी किसी का मन किया कि एक बाउल था जो कटोरा बोलते हैं कुछ लोग, है ना, ऐसा ही, जिसका रेडियस, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, और उसने यहाँ पर एक छोटा सा मास रख दिया एम, और यहाँ से तक का डिस्टेंस हो गया आर, थीटा. देखते हैं कितनों को समझ में नहीं आता है. इस मास को यहाँ से यहाँ भेजे, छोड़ दिया, टक 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 कर रहा था. इसके ऊपर क्या लगेगा एम जी? ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी फर्स्ट ही क्लास में बता दिए थे, अभी तो बस उसके डेराइव करते जा रहे हैं हम, ठीक है? इधर क्या लगेगा, है ना भाई? अगर ये थीटा है तो भाई ये थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा एम जी का साइन थीटा. एम जी से कोई पबजी मत समझ लेना, ठीक है? ये क्या है हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है? एट आउल नहीं है, बाउल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग टॉर्क एम जी साइन थीटा इंटू आर, है ना? तो क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा एम जी आर इंटू थीटा, है ना? एम जी आर इंटू साइन थीटा की जगह पे थीटा इज इक्वल टू आई इज द एम आर स्क्वायर. इस मास का इसे इसी के बॉर्डर नहीं रोटेट करेगा, टक टक, है ना, इंटू अल्फा. एम से एम गया, आर से आर गया, अल्फा इज गेटिंग एज जी बाय आर इंटू थीटा. ओमेगा का वैल्यू टुंग टुंग डुडुंग जी बाय आर, और टाइम पीरियड का वैल्यू रूट ओवर आर बाय जी. इज दैट ओके? कॉपी करो. अभी जो सवाल है उसमें ये है कि एक पर्सन, याद है वो रसिया वाला जो गड्ढा खोद करके बैठा हुआ था, है ना? डीप थिंकिंग, गहरी सोच, समझ में? डीप मतलब होता है गड्ढा, गहरा सोच. चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं. एक आदमी है यहाँ पर जो कि अर्थ के अंदर में टनल खोद करके बैठा हुआ है, और उसमें से वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से एक मास को छोड़ूं और वो नीचे आए, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाइए ना. दैट्स टनल इन साइड द अर्थ. इज दैट ओके? या तो यहाँ पर जब हम जानते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन साइड द अर्थ इज गिवन बाय जी एम एक्स बाय आर का क्यूब, ठीक है? तो किसी भी समय जब ये मास एक्स डिस्टेंस पर होगा सेंटर से, उस समय इसके ऊपर एक वेट लग रहा होगा एम जी. क्या लग रहा होगा? एम जी, एक फोर्स लग रहा होगा, तो जिसको कि हम कहेंगे एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जितना फोर्स होगा, ये लीनियर एसएचएम होगा, रोटेशनल वाला तो हिस्सा है नहीं यहाँ पर. तो एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है कितना है, जी एम एक्स बाय आर का क्यूब इंटू एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन ए बराबर हो गया, है ना, जी एम बाय आर का क्यूब इंटू एक्स. देखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना? इसी से ना हमने कंपेरिजन कर लिया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से. तो यहाँ से आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जी एम बाय आर का क्यूब, और ओमेगा का वैल्यू हो गया रूट ओवर जी एम बाय आर का क्यूब, है ना? तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा टू पाई रूट ओवर. अच्छा, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं क्या? जी एम बाय आर का स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस होता है, जी एट सरफेस कितना होता है, जी एम बाय आर का स्क्वायर, है ना?
जी एम बाय आर का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी, नीचे में एक आर बच जाएगा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आर बाय जी। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ दिस मास, और हमको पता है रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि यहाँ से तक का डिस्टेंस 6400 किलोमीटर है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 84.5 मिनट का टाइम। मजा आ गया, मतलब कि एक्जैक्ट फिक्स टाइम है जिससे कि करेगा है ना। चलो ठीक है, कॉपी करो जल्दी से फटाफट फटाफट, अभी बहुत सारे सवाल आने बाकी हैं। कुछ चीज़ें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के अबाउट तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अब इन सारे चीज़ों के पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना। क्या लिख रहे हैं आज, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2π रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। जब टाइम पीरियड की बात होगी टाइम पेंडुलम का, तो मुझे वहां पर जी इफेक्टिव को देखना है, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस समय कितना उसके ऊपर लग रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन लिफ्ट है ना, इन जो एलिवेटर होता है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एलिवेटर की कंडीशन में पहला कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास एक एलिवेटर है और आपको स्यूडो फोर्स के बारे में होप करते हैं अच्छा खासा आइडिया होगा। ठीक है, ये एलिवेटर में मैंने एक मास को लटका दिया हुआ है ना, तो इस वाले बॉडी के ऊपर क्या हो रहा होगा अगर ये एलिवेटर के अंदर में चुपचाप से बैठा हुआ या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अप जा रहा है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से डाउन आ जा रहा है या फिर ये रेस्ट में है। तीनों ही कंडीशन में हम कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इस कंडीशन में न्यूस इसके ऊपर कोई स्यूडो फोर्स तो एक्ट नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी वेट तो लगेगा ही ना एम जी वाला, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे 2π रूट ओवर एल बाई जी। इज दैट ओके, समझ में आ गया, दैट्स अ वेरी ईजी कंडीशन। अभी हम आते हैं इसी लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, हम सेकेंड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक लिफ्ट दिख रहा है हमको, इस लिफ्ट में एक छोटा सा मास दिख रहा है हम, और ये पूरा का पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। तो ये मास बोलेगा मेरे को नहीं जाना है, तुमको जाना है, तुमको फोर्स लगा है, तुम जाओ, हम तो बाबा हमको एम जी मिला है नीचे मैं, और इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा जिसका वैल्यू होगा एम ए। तो नेट जो एक्सेलरेशन दिखेगा नीचे की तरफ वो ए प्लस जी के बराबर होगा, तो जी इफेक्टिव नीचे की तरफ कितना दिखा, जी प्लस में ए। तो टाइम पीरियड के जगह क्या लिखेंगे, 2π रूट ओवर एल बाई जी प्लस में ए। नहीं समझ में आया, अगला देखो, गुड क्वेश्चन। ये एक मास है एम, ये नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, फिर से मास विरोध करते, इसका कोई काम धंधा नहीं है, मास हम लोग विरोध करते हर बात का है ना, ऐसे नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो ये बोलेगा मैं नीचे नहीं जा रहा, तुमको जाना है जाओ, मैं तो ऊपर चला, एम ए एक स्यूडो फोर्स लेगा। हाँ, एक और बात यहाँ पर रख रहे हैं, ये बात कि एक्सेलरेशन जी से कम है यानी कि फ्री फॉल नहीं हुआ है अभी है ना, तब ये ऊपर की तरफ, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, अभी भी इसका मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा और ऊपर का फोर्स कम हो जाएगा, तो एम जी माइनस में एम ए इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा, तो जी इफेक्टिव लिखेंगे जी माइनस में ए। इज दैट ओके, जी माइनस में ए। टाइम पीरियड 2π रूट ओवर एल फाई सी एक्सेलरेशन, दैट्स इट, इज दैट ओके। अगर मैं इसे कहूँ फ्री फॉल हो गया, ओके, फोर नंबर कंडीशन, किसी का मन किया, ऊपर गया, रस्सी काट दिया अपना, नीचे आकर के बैठ गया, घुस गया, बोला कि भाई मैं तो चेक करूंगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, हमारे गुरुजी पढ़ाए हैं कि अगर ये नीचे की तरफ आए रहा है जी एक्सेलरेशन से है ना, तब देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है। बहादुर इंसान था है ना, जी से आ रहा था,
इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स mg ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, स्यूडो चीज़ें आ रहा है नीचे, तो बोला मैं क्यों जाऊँ नीचे, मैं ऊपर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π√L/g इफेक्टिव, तो जी माइनस में जी। ओ माई गॉड, क्या ऐसा पॉसिबल है, नीचे में जी इफेक्टिव क्या हो गया, देखो इसके ऊपर लगने वाला जी इफेक्टिव जो है वो तो जीरो हो गया। अगर मैं जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करूँगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, वो तो अनडिफाइंड होगा, यानी इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा, है ना, कोई फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा और ये और जैसा है वैसे रहेगा। मतलब अगर मैं कहूँ ये पेंडुलम ऐसे गिर रहा था, ये ऐसे आ गया ऐसे रहेगा, ऐसे आता ऐसे रहेगा, इनफाइनाइट, ये कभी ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आता ऐसे रहेगा, ना रुका हुआ रहेगा, जो कि आप देखते होंगे सिम वेटलेसनेस के कंडीशन में स्पेस में, अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह देखते हैं ऐसे ऐसे रह गया, ऐसे ऐसे मुड़का नीचे पैर ऊपर, तो ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ के नीचे अर्थ के तरफ वो 24 घंटा गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है उसका, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। चलो समझ आया बात, 4 नंबर कहानी। और अगर मान लेते हैं कि इसका एक्सेशन नीचे की तरफ किसी ने पकड़ के नीचे से खींच लिया, तब तो फिर ये धागा लूज हो जाएगा, तब फिर तो ये पेंडुलम रहेगा नहीं, तब तो फिर हमें ये पूरा का पूरा बॉडी हमें दिखेगा ऊपर की तरफ जाता हुआ, और वो सवाल NLM का बन जाएगा फिर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले कॉपी करो फिर बात करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, सिंपल पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहे थे और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पता है कि हमने पिछले क्लास में बात किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके कहीं पर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्यू ई फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा ये, इसके बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है 11th वाले स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ा बम नहीं है रे, याद रखो कि बस क्यू ई होता है, 12th में पढ़ना है हम लोग को, लेकिन 12th में यही पढ़ना है, तुमको यही याद रखना है कि फोर्स इतना क्यू ई होता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। इसको तो जो फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर कितना होगा, क्यू ई, इसका खुद का चार्ज और बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही कि फोर्स लगता है क्यू ई के तरफ, है ना, मतलब जो क्यू ई होगा वो इधर की तरफ होगा, तो मुझे समझ में आएगा ये मेरा फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो बाकी समझ में आना चाहिए 2-3 चीज कि मान लेते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा के रखा हुआ है और सिंपल पेंडुलम को मैंने ऐसे लटका के रखा हुआ है और यहाँ पर एक मास है जिसका चार्ज है क्यू, तब इस पर क्या लग रहा होगा, खुद का एक mg एक फोर्स और क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इधर की तरफ हम एक क्यू ई फोर्स इस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस वाले बॉडी पर, नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट कितना मिला, mg माइनस में क्यू ई, इज दैट ओके। तो हम यहाँ पर कहेंगे जी इफेक्टिव कितना आएगा, तो मास से डिवाइड करो दो, तो जी माइनस में क्यू ई बाय एम, अरे ये तो वही हो गया जी माइनस में ए, बस टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π√L/g इफेक्टिव, तो जी माइनस में क्यू ई बाय एम, है ना, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, दैट्स अ वेरी इजी, जस्ट सेकेंड, वेट अ मिनट, चार्ज ही चार्ज है बस। इन लोगों को भी अभी खत्म होना होता है, मान लेते हैं किसी कंडीशन के बाद सेकंड, ये पहला कंडीशन हो गया, जब सेकंड कंडीशन में बात कर रहे हैं, यही है मेरा मास, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे दे दिया, इस बार mg ऐसे लगेगा और इसका मास है m और q है चार्ज, q के कारण इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा क्यू ई, इज इट ओके। तो यहाँ पर हम कहेंगे एफ नेट कितना आ जाएगा इस वाले कंडीशन में, क्यू ई प्लस में mg, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू ई बाय एम प्लस में जी, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2π√L/g + q e / m, आ गया समझ में,
चलो तीन नंबर के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं इसी सिंपल पेंडुलम का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे दे दिया जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसे में ही हमने रख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिए, तो जो अब ऐसे होगा तो भाई ये मास तो यहाँ पर पहुँच चुका होगा, है ना, एम जी ऐसे लगेगा, क्यू ई ऐसे लगेगा, अरे बस सुनो, क्यू ई ऐसे लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा, क्योंकि फोर्स तो उस पर ऐसे लगेगा, तो जो नेट फोर्स दिखेगा वो तो इधर की तरफ दिखेगा मुझे, है ना, एफ नेट कितना मिलेगा वो इधर की तरफ, तब एफ नेट का वैल्यू अगर हम लिखें तो उसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एम जी का होल स्क्वायर प्लस में क्यू ई का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, दिस बाय मास एम, है ना, तो रूट ओवर एम जी का होल स्क्वायर प्लस में क्यू ई का होल स्क्वायर, है ना, बाय टोटल मास एम, और अगर हम एम को अंदर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मिटा दें, कॉपी कर लो पहले इसको, ठीक है, इधर वाला को मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तो एम से अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ से एम का स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा जी का स्क्वायर माइनस में क्यू ई बाय सॉरी प्लस में क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर, दैट्स योर एक्सेलरेशन, जिसको कि हम कहेंगे जी इफेक्टिव, है ना, क्या कहेंगे इसको, जी इफेक्टिव, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2π रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव, तो जी स्क्वायर प्लस में क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर पर पावर हाफ, दैट्स योर आंसर, चलो कॉपी करो जल्दी से। अभी अगर हम दो तीन चीज के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, या फिर एक ट्रक है, एकदम आसान है, बात समझना है सिर्फ, और ये ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर मैंने एक सिंपल पेंडुलम बांध के रखा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना, ये अगर इधर जाएगा तो ये कंटेनर के कारण जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो इस मास पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा तो कुछ इधर की तरफ एक स्यूडो फोर्स है जिसका नाम हो जाएगा एम ए, है ना, इधर की तरफ लगेगा एम जी, बाकी समझ में आ गया क्या करना है, नेट जी इफेक्टिव तो इधर ही लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव का वैल्यू दिस का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर का रूट बाय टोटल मास, है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर का रूट, इज दैट ओके, मास से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड में, तो जी इफेक्टिव इतना आ जाएगा, टाइम पीरियड लिख लेना है, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यही कंटेनर है ना, एकदम आसान है यहाँ पर समझना है, ये पूरा का पूरा गाड़ी है, हाँ एकदम पूरा ही गाड़ी है ये, और इसमें मैंने एक सिंपल पेंडुलम को बांध के रखा है, ठीक है, तो इस वाले सिस्टम का ये, क्योंकि गाड़ी जो है हमारा कुछ इस तरह का है ना, दिखा ऐसे स्टार है, तो जो सिंपल पेंडुलम जो होगा, पेंडुलम का कैसा स्थिति हो जाएगा, तो वो ऐसे 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 हो जाएगा, टेढ़ा नहीं हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, कैसा वाला, सेंट्रीफ्यूगल वाला, है ना, तो इस वाले पर बाहर उल्टा, है ना, तो अगर हम उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो एम जी तो इस वाले पर एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन है ना ये सिंपल पेंडुलम वैसा नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा, और इसके ऊपर इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, तो नेट जो जी इफेक्टिव दिखेगा वो इधर की तरफ दिखेगा, तो जी इफेक्टिव की जगह आप क्या लिखेंगे, मास को रिड्यूस करके बस रूट चढ़ा देना है, तो हो जाएगा यहाँ से जी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर एल बाय जी, बाकी तो पता है यार, रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव, इज दैट ओके, कॉपी करो जल्दी से। एक छोटा सा टॉपिक होता है इसी में, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ना, सेकेंड पेंडुलम का, ठीक है, क्या आता है सेकेंड पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड का वैल्यू अगर 2 सेकेंड्स हो, कितना हो 2 सेकेंड्स हो, तो हम उसको कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब ये हो गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आ गया, आने में 2 सेकंड का समय लगा है, इसका मतलब यहाँ से तक जाने और आने में 1 सेकंड, फिर जाने और आने में 1 सेकंड, तो बस यही है और क्या, हमको पता है एल, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π
रूट ओवर एल बाय जी होता है, इसका वैल्यू 2 सेकंड दिया है। स्क्वायर कर दोनों साइड तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो लेंथ बराबर आ जाएगा जी अपॉन पाई स्क्वायर। जी का वैल्यू को पता है 9.8 होता है और पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.9 होता है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1 मीटर का जो थ्रेड होगा, रस्सी होगा, वो उसके कारण जो सिंपल पेंडुलम बनेगा वो हमारा सेकंड पेंडुलम होगा। मजा आ गया, चलो ठीक है कॉपी करो जल्दी से और इसके पार्ट 2 भी आएंगे थोड़े अच्छे सवाल के साथ में, और अच्छे सवाल के साथ में, और भी अच्छे सवाल के साथ में। मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, टिक टिक। और फ्लूड का एक और वीडियो मतलब आने वाला है, अभी फ्लूड भी चल रहा है और मुश्किल से 2 दिन और चलेगा, एक दिन ये, एक दिन इसमें कॉम्बिनेशन, तो 2 दिन या 3 दिन के आसपास में SHM और चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा खींचा गया रोटेशनल SHM, एक और वीडियो लगेगा ही, ठीक है, तभी जा करके आप लोग अच्छे अच्छे सवाल लगा पाइएगा। उसके बाद वेव इसके आगे कंटिन्यू चलेगा, वेव के बाद थर्मोडायनेमिक्स भी चलेगा, इज इट ओके। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।